अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इससे पहले हम लोगों ने जो डाइलेक्ट्रिक का लेक्चर था उसमें ये देखा था कि जब भी क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में इंसर्ट करते हैं तो कैसे कैपेसिटी क्या होती है अफेक्टेड होती है, उसके लिए हम लोगों ने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला था। लेकिन अब बात करते हैं कि जब क्या हो कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में अगर एक से ज़्यादा मीडियम प्रेजेंट हो तब क्या होगा। ठीक है, तो उसी टाइप के प्रोसेस को या उसी टाइप के फिनोमिनन को हम लोग क्या करते हैं इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बट इसको भी दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। पहला हम बात करते हैं प्लेन सेपरेशन डिवीजन। इसका क्या मतलब है आप समझते हैं कि मैं मान लेता हूं कि से दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिस इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अंदर में हम क्या करते हैं कि दो मीडियम्स को इंसर्ट करते हैं। मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक प्रकार का मीडियम है, इस साइड में एक प्रकार का मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जिसका सेपरेशन डी वन है, क्योंकि वो पूरा वो क्या कर रहा है कवर नहीं कर रहा है रीजन को। ठीक है, साथ में मैं क्या करता हूँ एक और डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लेता हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम और लेता हूँ जिसका सेपरेशन मैं मान लेता हूँ डी टू, जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ के टू। इसमें एक चीज सेम रहेगी फ्रेंड्स, वो क्या है एरिया। एरिया किसका, ये प्लेट का, जो प्लेट क्या कर रहा है उसको कवर कर रहा है, स्वाइप कर रहा है। तो क्लियरली देखिए कि यहाँ पे एरिया जो रहेगा इस पर्टिकुलर केस में सेम रहेगा। तो डिफरेंस क्या आया, ओनली सेपरेशन का, सेपरेशन आधा आधा हो गया। टोटल सेपरेशन आपका यहां से लेके यहां तक कितना था, डी था। तो डी सेम रहेगा आपका, डी जो है वो क्या रहेगा अलग अलग रहेगा और एरिया आपका सेम रहेगा। इस केस में हमको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमको ये देख के ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें जब भी इस तरीके से सेपरेशन डिवीजन होता है तो ये कैपेसिटेंस सीरीज कनेक्शन का रहता है। यहाँ पे ये माना जाता है कि ये दोनों जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उसका जो कैपेसिटी होगी वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले डाइलेक्ट्रिक वन के लिए, फॉर डाइलेक्ट्रिक वन आई नीड टू कैलकुलेट द कैपेसिटी, दिस इज नथिंग बट सी वन। और हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था इसके लिए एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे के वन लेंगे, एरिया आपका सेम, एप्सिलॉन नॉट के वन ए अपॉन डी वन, क्योंकि इसके लिए सेपरेशन डिफरेंस है। अब मैं बात करता हूँ फॉर डाइलेक्ट्रिक टू, डाइलेक्ट्रिक टू की बात करूंगा तो इसके लिए कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के टू ए अपॉन डी टू। ठीक है, एज द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज देयरफॉर वन अपॉन सी इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू। दोनों की वैल्यू पुट करता हूं तो यह आ जाएगा वन अपॉन सी वन मतलब हो जाएगा ये डी वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के वन ए प्लस डी टू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के टू ए। ठीक है, इसमें मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट ए, तो वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बचेगा क्या तुम्हारा डी वन अपॉन के वन प्लस डी टू अपॉन के टू। इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा वन अपॉन सी इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, दिस विल बिकम डी वन के टू प्लस डी टू के वन अपॉन के वन के टू। ठीक है, दिस विल बी वन अपॉन सी इक्वलेंट। तो फाइनल जो सी इक्वलेंट का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा सी इक्वलेंट इज इक्वल टू रिवर्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू होल अपॉन, ये आ जाएगा डी वन के टू प्लस डी टू के वन। सो दिस विल बी योर नेट कैपेसिटेंस जब इस तरीके से सेपरेशन के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, हाफ तुम्हारा पोर्शन रहेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम वन, हाफ तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू। सो दिस विल बी योर सी इक्वलेंट इन दिस केस। सो ये आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, इसके लिए आपका सी इक्वलेंट या नेट कैपेसिटेंस कितना है एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू अपॉन डी वन के टू प्लस डी टू के वन। सेम अगर बात करते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा इस तरीके से कनेक्टेड हो। मैं मान लेता हूँ कि अगेन टेकिंग द टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है टू पैरेलल प्लेट्स ले लिया, इसमें क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना ऐसा सेपरेशन से डिवाइडेड नहीं है। मैं मान लेता हूँ हाफ पोर्शन में क्या है तुम्हारा, एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वन है, क्लियर है, और दूसरा जो मीडियम है इसका साथ में एरिया जो है ए वन है। मैं मान लेता हूँ एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी यहाँ पे प्रेजेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टू है, जिसका एरिया ए टू है। बट दोनों केसेस में सेम क्या है, सेम है तो सिर्फ और सिर्फ इसके बीच का सेपरेशन, इसके बीच का सेपरेशन जो है वो क्या है दोनों के केस में सेम है। तो मैं यहाँ पे जैसे एरिया सेम आ रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेपरेशन सेम,
आपको क्लियरली देख के फील आ रहा होगा कि यहाँ पे ये कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होगा। पहले इसके लिए बात करते हैं, जैसे यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वन के लिए लिखा था, एक्सप्रेशन लिखते फॉर डाइलेक्ट्रिक वन, डाइलेक्ट्रिक वन के लिए हमारा कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, इट विल बी नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट ए वन के वन अपॉन डी। सिमिलरली फॉर डाइलेक्ट्रिक टू, एक्सप्रेशन विल बी नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट ए टू के टू अपॉन डी। नाउ एज द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल, देयरफॉर फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इट विल बी नथिंग बट सी इक्वलेंट हियर विल बी नथिंग बट सी वन प्लस सी टू। ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो आप रिफर कर सकते हो। तो C equivalent will be nothing but C1 plus P2, C equivalent is nothing but epsilon naught A1 K1 upon D plus epsilon naught A2 K2 upon D। यहाँ पे अपन C equivalent में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, epsilon naught upon D, it will be nothing but A1 K1 plus A2 K2। So this will be your equivalent capacitance in case of the दिस कॉम्बिनेशन, जहां पे आपका जो है सेपरेशन सेम है और एरिया डिवीजन हो रहा है प्लेट्स के बीच में। तो ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के केस में, फर्स्ट केस में जब हम लोग का सेपरेशन डिवीजन हो रहा था, सेपरेशन डिवीजन के केस में हमारा फॉर्मुला आया था एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू अपॉन डी वन के टू प्लस डी टू के वन। सिमिलरली जब एरिया डिवीजन हो रहा था, तब के केस में हमारा इक्विवेलेंट का फॉर्मुला आया एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ए वन के वन प्लस ए टू के टू। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। थैंक यू।